हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 4 अक्टूबर को होना तय है प्रीलिम्स का, वो उसमें हम किस तरह से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ जिससे कि हमारे एग्ज़ाम निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो पाए। क्योंकि देखिए, यूपीएससी का जो 2019 का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ 98 ही रहा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा तो नहीं था कि वहाँ उस समय बैठने वाले बच्चे थे उनका माइंड उतना शार्प ना हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा आगे पीछे करता है, किस तरह से इजी देता है, टफ पेपर देता है जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, कम नंबर भी आता है कई बार कई स्टूडेंट्स का। तो ये वीडियो उसी चीज़ को लेके है कि किस तरह से आप ज़्यादा स्कोर पाएं, क्योंकि अगर पिछली बार 98 गया तो हो सकता है इस बार का पेपर यूपीएससी थोड़ा सा इजी सेट करेगा, नॉर्मल से यूपीएससी थोड़ा इजी सेट करेगा जिससे कि आप नंबर जो भी आप जिस तरह से आप स्कोर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हैं इस बार। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम यूपीएससी के इस पूरे चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेपर किस तरह से आता है। क्योंकि अगर हमें ये एक बार पता चल गया कि पेपर पैटर्न किस तरह से आ रहा है और आखिरी समय में हम कौन कौन से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं अपने स्टडी में जिससे कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो आज चलिए हम आपको यूपीएससी के पेपर से ही हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। देखिए, आप जैसे आप यूपीएससी के सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पर चलेंगे। तो देखिए, यूपीएससी वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं। अब यूपीएससी की वेबसाइट से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना हमारा टारगेट है। लेकिन हाँ, जो लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ से यहाँ से भी हम क्लिक करके हम क्वेश्चन पेपर पे डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन और दूसरा रास्ता, अगर लॉन्ग टर्म में जो लड़के डायरेक्ट यूपीएससी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाकी चीज़ों को भी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो हम बताते हैं आपको। देखिए, ये जैसे ये वेबसाइट है पूरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब इसमें देखिए, अबाउट अस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, कई ऐसे सेक्शन बने हुए हैं। हम एग्जामिनेशन पे जाएंगे, इसमें हम कैलेंडर देख सकते हैं, एक्टिव एग्जाम कौन कौन से वो देख सकते हैं, मतलब जो एग्जाम अभी चल रहे हैं, आने वाले कौन कौन से एग्जाम हैं वो भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कट ऑफ एना आंसर की भी हम देख सकते हैं, मार्क्स इन्फॉर्मेशन। देखिए, आंसर की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए ये रखता है क्योंकि इससे हम जैसे एग्जाम नज़दीक है तो हम किस तरह से पेपर को एनालिसिस करेंगे उसके लिए हमको उसका आंसर की भी चाहेगा। तो मैं आपको एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपका पेपर में स्कोर करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक डाउनलोड करते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। देखिए, 2019 के क्वेश्चन पेपर हम सर्च करेंगे। आप इस पर आइए, देखिए सर्च एग्जाम नेम आप डालिए सिविल सर्विस, यहाँ देखिए पहले से पढ़ा हुआ, इसको सिविल सर्विस डाल के अप्लाई एंटर कीजिए। देखिए, अब जो भी एग्ज़ाम आप आएंगे, आप सिविल सर्विस का जो भी पेपर उसमें आगे जैसे ही दिया जाएगा, सिविल सर्विस मेंस का दिया है 2019 का, हमको चाहिए प्रीलिम्स। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे के सेक्शन में आके आप देखें कंपलसरी सारे पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब हम आएंगे यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 पे। अब देखिए, यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 1 और 2 पेपर जो सी सेट का दूसरा पेपर होता है उसमें मैथ इंग्लिश जो कॉम्बिनेशन में पूछता है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग सारी चीज़ें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारी चीज़ जो चेक करता है वो पेपर 2 होता है। और हमें चाहिए पेपर 1, क्योंकि अभी हम आपको जीएस पेपर 1 में बता रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाइंग है, इसमें आपको ज़्यादा नंबर नहीं पाना है। आपने हमारे सिलेबस वाले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर सिलेबस वाले वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो यूपीएससी की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस आप यूपीएससी डालेंगे तो और टिस्का डालेंगे आगे, तो वो हमारे चैनल का वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब पर। अब देखिए, हम पेपर 1 पे चलते हैं, 2019 का पेपर है ये, हमने इसे डाउनलोड कर लिया। ये हम प्रॉपर वे में आपको दिखा रहे हैं, हम इसे अलग से प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते थे लेकिन हम आपको इस फॉर्म में इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप इस पेपर को देख के आप अपने तरीके से भी इस पेपर को समझ पाएं और इस पेपर से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएं। क्योंकि आप ये कोई भी एक बंदा कर सकता है, ये एक पेपर है यूपीएससी का, ये कोई बंदा डाउनलोड कर सकता है, इंटरनेट कनेक्शन रहे उसके पास तो कोई भी बंदा कर सकता है अपने डिवाइस से। तो देखिए, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है कि देखिए 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि देखें आप 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का ये टोटल पेपर है और 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो अब 2 घंटे का समय रहता है हमारे पास। तो अगर आप एक बार इसके क्वेश्चन पेपर पे नज़र डालेंगे तो आपको इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे मैं इंग्लिश का उठाता हूँ, आप हिंदी भी देख सकते हैं, मैं इंग्लिश का उठाता हूँ क्योंकि इंग्लिश के हमारे व्यूअर्स ज़्यादा हैं। तो देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार एंड जमींदार, मतलब मुगल इंडिया के समय में को अगर हम रेफरेंस में लें तो क्या क्या अंतर हमको देखने को मिल सकता है जागीरदार और जमींदार दोनों चीजों को लेके। तो इसके बारे में हम जहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन जैसे एक तरह का है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके के हैं, पहले हम तरीके क्वेश्चंस की पैटर्न को देखने पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें पूछा है विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें हमको चार ऑप्शन दे दिए हैं। अब देखिए अगर इस पहले और दूसरे क्वेश्चन को अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो इसमें हम ये पाएंगे कि इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दे दिया, जैसे मुगल इंडिया, जागीरदार, जमींदार, हमें पता चल गया इसके बारे में। अब इसमें हमको दो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि वन एंड टू। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास, ये दोनों स्टेटमेंट है, इसमें भी इसमें कुछ है कि स्टेटमेंट में अपनी बात कही गई है और सेकंड स्टेटमेंट में अपनी एक बात कही गई है। अब हमको ये बताना है देखिए यहाँ से कि कौन सा करेक्ट आंसर हमको इसमें चूज करना है कोड के हिसाब से। और ये सच मानिए तो ये ऐसा इस ये पैटर्न सबसे टफ माना गया है यूपीएससी में, क्योंकि इसके लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। थोड़ा सा गेस ला के तुक्का मार के या आप अलग तरीके से काम नहीं कर सकते आप इसमें, जैसे आप वैसे तुक्का मार के आप यूपीएससी प्रीलिम्स को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा है आप इलिमिनेशन टेक्निक लगाइए और तरह तरह के टेक्निक ला के अपनी लिमिटेड नॉलेज को भी यूज करके आप यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे आपके जैसे दो आपको आपको जैसे दिख रहा होगा कि इसमें ऑप्शन में क्या दिया, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। तो इस अगर इस क्वेश्चन का आपको सही में राइट आंसर चाहिए तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट के बारे में और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस हो रही हैं। अब अगर यही हम जाएँ दूसरे को जो मैं कंपेयर कर रहा था, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये पहले वाले से थोड़ा सा इजी पड़ जाता है हमारे लिए। क्यों इजी पड़ता है? क्योंकि इसमें हमको ऐसा नहीं है कि पहले हमको जैसे इसमें था कि पहले हमको क्वेश्चन को समझना पड़ा, फिर पहले हम क्वेश्चन को समझे, उसके बाद ऑप्शन को समझ, फिर एक और दो को स्टेटमेंट को पढ़े, उसको समझे, फिर क्या सही है क्या गलत है उसमें से हम निकाले और फिर हम जाके अपने आंसर को नीचे दिए। लेकिन यहाँ क्या है पेपर टू में, क्वेश्चन टू में, कि इसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात किया, रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब लैंड रिफॉर्म के संबंध में इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म के बारे में अगर हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो तो इसके चारों ऑप्शंस को पढ़ के हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, एक एक लगभग हम ऑप्शन तक, एक करेक्ट आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। अब अगर इससे भी इजी बात करें, जो कि हमारा एक तीसरा आता है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, हम एक टाइप को आपको समझाएंगे। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा वो आता है, जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमें एक वैरायटी देखने को मिली 2019 के पेपर से, क्योंकि हम 2018 में भी ये पेपर में है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2019 का ही दिखा रहा हूँ और 2018 में नहीं, अभी मैं उसको भी डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन तीसरे तीसरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट की बात की गई है और ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट की बात की, जो कि पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा। देखिए अगर आपको डायरेक्ट पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 2 नंबर लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर मैं बात करूँ बजाय पहले के या दूसरे के। देखिए सबसे अगर इजी इजी टू इजी टू मॉडरेट और इजी टू टफ की बात करें, इजी मॉडरेट टफ, तो हम मान सकते हैं कि तीसरा वाला क्वेश्चन इजी है, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है मॉडरेट है और तीसरा पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो टफ है। देखिए इजी मॉडरेट और टफ क्वेश्चन ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर और किस तरह से आपने प्रैक्टिस की हुई है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ इसको कंसिडर करने का मेरा सिर्फ लक्ष्य इतना ही है कि आपको अंदाजा लग सके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये एक दो तीन इसी तरह से क्वेश्चन है। आप देखिए जैसे आप चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे तो चौथा क्वेश्चन में भी आपका इस तरह 1 2 3 और टफ हो गया। तो ये इस तरह से, और देखिए अगर हम और नीचे चाहें तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट की बात की गई। देखिए 8वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे इसमें पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्क्रिप्चर इंस्क्रिप्शन इन रण्य अशोक किंग मेंशन अलोंग विद द स्टोन ऑफ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, मतलब कि इस सारे जो भी इंस्क्रिप्शन दिया, जो रिलीफ स्क्रिप्चर होते हैं, स्कल्पचर जो स्कल्पचर बनाते हैं, शिल्पकार जो बनाते हैं, इंस्क्रिप्शन बनाते हैं, वो रण्य अशोक जो है, रण्य अशोक का मतलब कि किंग अशोक, जिसमें मेंशन किया गया रण्य अशोक को, वो मेंशन किया गया है किस स्टोन पोर्ट्रेट अशोका किस स्टोन पोर्ट्रेट पर इसको दिया गया है। तो ये जगह का जैसे नाम दिया, ये दिया है सांची और सोहगौड़ा और साहबगढ़ जी और कंगन हाली। तो देखिए ये जगह का नाम दिया गया कि कौन सा ऐसा स्क्रिप्चर कौन सा है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना
काफी इजी है अगर मैं बात करूँ बाकियों से। तो देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने नहीं है, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ कि आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर को देख के पकड़ सकते हैं कि हाँ ये इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है बाकियों के मुकाबले। तो इस तरह से देखिए बाकी क्वेश्चन भी अगर हम चलें देखें, तो देखिए अब अगर हम 11वें क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए पूछा है बिल्डिंग कल्याण मंडप। कल्याण साउथ में कहा जाता है इसको, मैरिज को कहा जाता है कल्याण। तो कल्याण मंडप की बात करें तो वहाँ पे सबसे नोटेबल फीचर है टेंपल के कंस्ट्रक्शन में देखा गया है। वो कहाँ के मतलब चालुक्य में देखा गया, चंडेल में देखा गया, राष्ट्रकूट में देखा गया, विजयनगर। मतलब आपने पढ़ाई अगर थोड़ी सी की, थोड़ा बहुत अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, हल्का फुल्का भी आपको आइडिया है चालुक्य चंडेल और राष्ट्रकूट इन लोग के बारे में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी ईजी है। अब देखिए चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। देखिए लक्ष्य क्या है, लक्ष्य सिर्फ इतना है ये बताने का कि आप क्वेश्चन को तीन तरीके से आप आते हैं एग्जाम में। अगर यूपीएससी की बात करूँ तो क्वेश्चन टोटल तीन तरीके से आते हैं। जैसे एक पहला, यहाँ पे आपको हमको सीधा फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ही सारी वेराइटी हमको देखने को मिल जाती है। तो इसमें देखिए पहले पे आता है जैसे कि मुगल इंडिया को लेके फॉलोइंग में जागीरदार और जमींदार के बीच में डिफरेंसेस की बात की गई है। तीसरे में ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स की बात की गई है, और दूसरे में बात की गई लैंड रिफॉर्म के बारे में। देखिए दूसरा और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको किसी भी पेपर में, चाहे 2018 में मैं जाऊं तो उसमें भी आपको ये ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। 40-45 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। तो इसको क्यों, इसको लगाना इजी, आपको आ रहा है तो आपने लगाया, नहीं आ रहा है आपने नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया आप वहां से आप सेकंड क्वेश्चन पे जंप करके आपने अपना टाइम सेव किया। तो ये बहुत ही अच्छा है इस मामले में, इस चीज को लेकर अगर देखा जाए तो इसी वजह से मैं मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग को स्पेशल इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ कि इसे क्यों हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर मैं आगे लेके चलूँ आपको, तो देखिए अब ये ऐसा नहीं कि मैं 2019 के पेपर, मतलब मेरा मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि पहले जो छोटे क्वेश्चन है पहले उनको पहले सॉल्व कीजिए, फिर थोड़ा सा उस पर मॉडरेट पे जाइए जैसे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाया, और फिर उसके बाद पहले को टाइप के क्वेश्चन पे जाए, वन ओनली वन एंड टू पे। क्योंकि देखिए क्या है कि आप सारा टाइम अब लगा देंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलता है, अगर वो सारा टाइम अगर आप इसमें लगा देते हैं और मान के चलिए कि अगर आपको नहीं आया क्वेश्चन है, कुछ समथिंग इज रॉन्ग हो गया आपके साथ, एग्जाम में ड्रेस अच्छी नहीं मिली आपको, या आपको पंखा नहीं आपका काम, फैन आपका काम नहीं करा, गर्मियों का समय है, तो आप क्या करेंगे उस जगह उस समय, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कई कई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड घट जाती है, तो आपका टाइम यहाँ पे सेव होगा। अगर मान लीजिए कहीं आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हो जाते हैं एग्जाम में किसी कारण से, तो आपका यहाँ पे टाइम सेव होगा। तो इसलिए हमको शुरुआत में ऐसे ही क्वेश्चन टच करने चाहिए, बाद में हमें वन ओनली वन एंड टू पे जाना चाहिए। अब देखिए 40 से 45 क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे जिसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखा आपने और सॉल्व किया। आप पूरे पेपर को आप नजर एक बार देख लीजिए, नजर घुमा के कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पाएंगे 40 से 45 क्वेश्चन इस तरह के हैं। मतलब 40 से 45 क्वेश्चन का मतलब हुआ, 40 क्वेश्चन भी अगर मैं 35 भी मान के चलूँ तो 70 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। अगर आप 90% चांस है आपका 70 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाए, अगर आपने वाकई अच्छे से प्रिपरेशन किए, नोट्स बनाई है, तो आपका इतना 70 नंबर तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी आप थोड़ा बहुत वन ओनली वन टू, ऐसा नहीं कि आप एकदम जीरो हो जाएंगे उसमें, उसमें भी आप अच्छे ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर, अब हम थोड़ा 2018 पे चलते हैं। देखिए जैसे ये ईयर 2018 का है पेपर, अब इसमें अगर हम चलें, देखिए ये 2018 का प्रीलिम्स का पेपर है और ये इसमें जनरल स्टडी 1 और 2 दिया है। तो देखिए 1 पे अगर हम चलें और 1 को अगर हम देखें, तो देखिए इसमें ये 1 का पेपर है। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि देखिए जैसे इसमें दिया फर्स्ट लोकसभा, इसमें 1 2 3 इसमें भी करके दिया हुआ है। तो ये थोड़ा टफ, मतलब इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लड़के फंस जाएंगे इसमें। और सेकंड में देखिए इसमें भी आपको 1 2 3 आपको तीनों का एक वेरायटी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मतलब ये आ रहा है कि नहीं, उसमें नहीं आ रहा है, आपको हर चीज़ के बारे में जाननी पड़ेगी, तब आप जाके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। NSSO इसके बारे में पूरा स्टेटमेंट पढ़ना, पढ़ने में ज़्यादा टाइम आपका निकल जाएगा। फिर NGT आपको, फिर ये हुआ, उसके बाद हम चलते हैं नीचे। और तो देखिए यहाँ पे भी सब पूरा इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, 1 2 1 ओनली 1 एंड 2। अब और थोड़ा नीचे चलते हैं, हम मिलेंगे क्वेश्चन में। देखिए जैसे 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वें नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए लिखा है कि बायोग्राफी को लिखा है मजीनी, गरिबल्दी, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर, मतलब उसने ये पूछा है ही रोट बायोग्राफीज ऑफ द मजीनी 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 गरिबल्दी शिवाजी श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली, हु इज ही, तो इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये अगर आप थोड़ा सा अगर अपने माइंड को लगाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें से आंसर क्या होगा इन चारों में से, कि मतलब कौन हो जो अमेरिका में रहा हो और किसका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्होंने ये चीज़ लिखी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से आप और नीचे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना बजाय 9th, देखिए 11, 9 दोनों आपके सामने सामने हैं। इसमें 1 2 3 देखिए, 1 ओनली 1 1 1 1 एंड 2 1 2 3, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया, ऑप्शन आप इसके देख सकते हैं। तो इससे आपके लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है।
तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं पहले, तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। अभी मैं देखिए आपको मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक जनरलाइजेशन टेक्निक होती है, कि उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, कि जिससे थोड़ा बहुत हम अपनी, अगर हमको किसी चीज़ के बारे में नहीं भी पता है तो उसके बारे में हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारे मैक्सिमाइज स्कोर को मैक्सिमम करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। जैसे 18वां क्वेश्चन देखिए आगे, वैसे ही सेम चार ऑप्शन, सीधे सीधे चार चार ऑप्शन उसको टारगेट कीजिए, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। देखिए जैसे अभी यह देखिए दिया है, द टर्न टू टू स्टेट सोल्यूशन सम टाइम मेंशन इन द न्यूज़ ऑन द सेंटर कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर, किसके लिए होता है टू स्टेट सोल्यूशन, चाइना के लिए, इसराइल के लिए, इराक के लिए, यमन के लिए, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, न्यूज़ में आया है कि किससे रिलेटेड है ये, चाइना, इसराइल, इराक, ये सब। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आप चलें 26वां क्वेश्चन पे आइए, 26वां क्वेश्चन, इंडिया इनेक्टेड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन ऑफ, इसमें भी देखिए चार ऑप्शन, मतलब आपको अगर आ रहा है तो आप कर सकते हैं। ऊपर जैसे डराने के लिए इतने क्वेश्चन दे दिए गए, ऊपर से टफ टफ क्वेश्चन दे दिए गए, नीचे आप जाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को, तो आप पहले पेपर आए आपके हाथ में पहला काम यही कीजिए, टारगेट कीजिए। देखिए 2018 का पेपर है ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ, इसे 2070 में भी आप देखेंगे तो आपको ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो सेम पहले जाइए, पहले पेपर आपके हाथ में आए, पहले पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िए, आपको जो स्टार्टिंग का टाइम मिलता है पहले तो आप अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचिए, फिर वहां जाके आप क्या कीजिए कि पहले जो सामने जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे इस तरह का पेपर आपके हाथ में आएगा तो पहला पेज तो आपके सामने ही रहेगा, जैसे 2 घंटे दिया है, ये सब अच्छे से पढ़िए कि परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद अपने इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें बिना कोई छपा या फटा हुआ या पृष्ठ इसके प्रशांत आदि ना हो, यदि ऐसा है तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका में बदल लें। तो यानी कुछ भी अगर आपको लगता है फटाफट है तो आप इसे वापस कर लीजिए। तो इस तरह से आप पूरा पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए, जिससे आपको आप ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ चेंज तो इसमें होता नहीं है, लेकिन आप एक नज़र इस पर देखने से कोई बुराई नहीं है, इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा, आपके माइंड में ये बात कहीं ना कहीं बैठी रहेगी। इसीलिए किसी भी एग्जाम में अनुदेश उसके या उसके इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो तो पढ़ना ही चाहिए हमें। तो ये सारी बात है, अब हमें ये देखना है, अब हमको एक चीज ध्यान देना है। देखिए ये लिखा है नीचे इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड, इंग्लिश वर्जन आपके अपोजिट सबसे लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगा अगर पीडीएफ फॉर्मेट में बोले तो, और अगर आपको जो हार्ड कॉपी मिलती है उसमें आपको बैक पे मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं। तो ये मतलब एक तरीका मैंने आपको एक सजेस्ट किया कि आप पहले जो है सीधे शॉर्ट क्वेश्चन उसको देखिए। देखिए फायदा क्या होता है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, भाई 2019 के पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट से, देखिए ये टफ टफ से मैं थोड़ा इजी पे पहुंचता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार एंड जमींदार, मतलब मुगल इंडिया के समय में अगर देखा जाए तो डिफरेंस क्या है जागीरदार और जमींदार में, जागीरदार और जमींदार में अंतर क्या है। देखिए जागीरदार, अभी हमको ऑप्शन क्या दिया, मतलब मुगल इंडिया के समय में अगर जागीरदार और जमींदार ये दो पोस्ट की बात किया और पूछा है क्या मतलब इसमें अंतर है। देखिए जागीरदार वर द होल्डर ऑफ लैंड असाइंड इन लियू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी, वेयर द जमींदार वर द होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब जागीरदार जो थे वो लैंड होल्डर थे, उनके पास लैंड होती थी जो कि उन्हें दिया जाता था उनको जुडिशियल पुलिस ड्यूटी करने के लिए। देखिए जुडिशियल की यानी जस्टिस का काम जो करते थे जो मिनिस्टर्स होते थे उस समय, और मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन या हुआ आपके मुगल एम्पायर में, यहाँ की बात कर रहा है, मौर्यन में भी देखा गया है। तो जागीरदार और जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज करने के लिए उनको लैंड मिलता था, जबकि जमींदार वर्ल्ड होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट, जमींदार को सिर्फ रेवेन्यू राइट्स मिलते थे, मतलब पैसे कलेक्ट करने के, टैक्स कलेक्ट करने के लिए जनता से, वो सिर्फ जमींदार को मिलता था बिना ऑब्लिगेशन ऑफ एनी परफॉर्म ड्यूटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसकी जाँच करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जागीरदार, जागीरदार मतलब जागीर जिसे आपने को पढ़ा होगा कि जागीर, आप कई बार लोग कहते हैं कि तेरे बाप की जागीर नहीं है, इस तरह के लोग अपने स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। जागीर का मतलब है जायदाद, तो आप जागीर यानी जमीन, कोई संपत्ति, धन, कोई अचल संपत्ति, वो उसमें आ गया। तो जागीर जो मिलती थी, तो देखिए मुगल इंडिया में क्या था, जागीर जो आता था वो मनसबदारी सिस्टम में आता था मुगल इंडिया में। जाकर मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, अगर आप चाहेंगे आप कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। 2019 का, 18 का, आप जो बोलेंगे मैं क्वेश्चन पेपर एकदम बकायदे सोल्यूशन के हिसाब से सॉल्व करा दूँ। अभी मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ आपको कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते, क्योंकि एग्जाम अब सर पे है। तो देखिए मुगल इंडिया के समय में देखिए जागीरदार की बात करें, जागीरदार मनसबदारी सिस्टम के अंदर आता था, मनसबों को पता ही है, युवा नोबल होते थे, मनसब कहा जाता था उनको, और नोबल जितने थे वही ज़्यादातर ये कलेक्ट करते थे, वो ज़्यादातर पाते थे ये। तो देखिए जागीरदार जो थे वो उनको पुलिस के लिए जुडिशियल और मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए उनको मिलता था ये चीज़।
उनको जागीरदार वंशाधारी सिस्टम में उनको लैंड दिया जाता था, जैसे कि हम लोग तनख्वाह लेते हैं आज के डेट में, उनको लैंड मिलता था, उनको जागीर मिलता है, इसलिए जागीरदार कहा जाता था उनको, क्योंकि पास बहुत सी जागीरें पड़ी हैं। तो इसीलिए देखिए दिल्ली में बहुत से चौहान हैं, वहाँ पे उनके पास ढेर सारे किले हैं, तो ये जागीरदार उनको कई बार मिले हुए हैं, उनके पुलिस ड्यूटी तनख्वाह के तौर पर उनको मिलता था, पुलिस ड्यूटी जुडिशियल ड्यूटी और मिलिट्री सर्विस इन सब के लिए मिलता था। जबकि जमींदार की अगर हम बात करें तो जमींदार जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन तो वो करता ही था, लेकिन यहाँ जो दिया वो सही दिया है, लेकिन ये लिखा है विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इन ड्यूटी, मतलब उस पर और कोई काम नहीं था रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा, जबकि यहाँ पे ये बात गलत है। जो जमींदार होते थे, आप पहले भी मूवीज में देखा होगा आपने कि जमींदार के होते थे, उनका काम होता था रेवेन्यू कलेक्शन करने का, मिलिट्री ड्यूटीज भी वो करते थे। किस तरह से करते थे मिलिट्री ड्यूटी, जैसे वो क्या करते थे कि उनसे कहा जाता था खिदमत करने के लिए। खिदमत क्या होता था कि जो मुगल सरकार थी वो कहती थी कि आप ट्रेनिंग में वो पैसा न कर, अपना पैसा न खर्च करना पड़े मुगल को, इसीलिए वो कुछ भाग रेवेन्यू का दे देती थी जमींदारों को, और जमींदारों की भी अपनी बादशाहत रहती थी अपने एरिया में, जो कि बाद में भी रही, आज़ादी के बाद भी देखी गई है। और ये जमींदार जो थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी इनकी अपनी अपना एक प्रभुत्व था एरिया में। और जमींदार क्या करते थे, रेवेन्यू राइट्स के जो लड़के होते थे वो तैयार करते थे मिलिट्री के लिए, सेना के लिए जो लड़के तैयार करने होते हैं वो ये करते थे, और उन्हें ट्रेनिंग देते थे ये। और जब भी मतलब कहीं युद्ध की स्थिति या ऐसी है, तो जमींदार का काम होता था कि ऐसे लड़कों को प्रोवाइड कराए कि जो युद्ध में लड़ सकें, ये काम जमींदार को दिया गया था, जिससे कि उसका बहुत ज़्यादा बहुत सरकारी खजाने पर न पड़े, और बाकी समय वो अपना दूसरा काम भी कर सकते थे। तो ये एक जमींदार अंतर है। तो इसमें लिखा है कि जागीरदार तो होल्डर थे लैंड के, जो कि ड्यूटी पुलिस ड्यूटी मान लेते हैं, इसमें मिलिट्री ड्यूटी की बात नहीं की गई है, फिर भी हम मान लेते हैं कि जागीरदार के लिए जो स्टेटमेंट दिया वो सही है। लेकिन जमींदार की बात करें तो वहाँ रेवेन्यू राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्म ड्यूटी के लिए रेवेन्यू कलेक्शन के, वो गलत है। उनका काम रेवेन्यू कलेक्शन तो था ही, रेवेन्यू राइट उनके पास था ही, उसके साथ ही साथ उनका काम था सेना में खिदमत के लिए समय समय पर लोगों को प्रोवाइड कराना, और कई बार छोटे पोस्ट के लिए भी प्रोवाइड कराते थे, जैसे दास हुए, आपके गेट कीपर हुए, उसके लिए भी प्रोवाइड कराते थे। अब देखिए जो, तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ जमींदार का जो स्टेटमेंट दिया वो रॉन्ग कर देता है इसको। अब दूसरा क्या है, देखिए लैंड जो दिया जाता था जागीरदार को हेरिडेटरी था, हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशवाद कहते हैं इसको, वंशवाद का मतलब होता है कि जैसे कि जागीरदार जो बने हैं उनको मिल गया, फिर उनके जो मतलब लड़के रहे उनको भी मतलब वही पोस्ट मिली, और सेम जाके, तो ये हेरिडेटरी था। और रेवेन्यू राइट्स, जबकि रेवेन्यू राइट्स दिए थे वो जमींदार को, वो हेरिडेटरी नहीं था। तो अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में जानने के लिए अगर थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें, तो देखिए जागीरदार को क्या किया जाता था, जागीरदार को वो रखते थे अपने पास जिससे कि उनको वो क्या कर सकें, जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी दे सके। लेकिन देखिए उस समय अकबर मुगल जो समय था, वो अकबर और बाकी लोगों ने जो मिलके एक अच्छी खासी बादशाहत अपनी खड़ी की थी मुगल एम्पायर में, जो कि बाबर ने शुरुआत किया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जागीरदार को उन्होंने हेडिटरी नहीं रखा था, उन्होंने क्या किया था, इसको ट्रांसफर करते थे, प्रमोशन भी करते थे, डिमोशन भी करते थे, मतलब सब कुछ होता था, ट्रांसफर डिमोशन प्रमोशन सब करते थे। ये उनका हेडिटरी राइट नहीं था, हम ये नहीं कह सकते उनका कि वो उनका हेडिटरी राइट था, और उनसे क्या करते थे, वो उनको ट्रांसफर प्रमोशन डिमोशन करते थे, ये उनका रेगुलर पार्ट था। और कि जिस और ये इस पर भी डिपेंड करता था कि कितने लॉयल हैं एम्पायर को लेकर, अगर उनके कोई कमियां देखने को मिल जाती, उनका प्रमोशन या डिमोशन कर दिया जाता था। अगर कोई अच्छी काम करते थे, कभी राजा की जान बचा लिया, ऐसा भी कई बार हुआ है, तो कई बार जंगल में शिकार पर राजा उनकी जान बचा ली, तो उसको भी वो उनको हाई पोस्ट पर प्रमोशन करते थे। जबकि दूसरी तरफ अगर जमींदार की बात करें तो उसके पास हेरिडेटरी राइट था। देखिए इसमें दिया जमींदार का हेरिडेटरी राइट नहीं था, लेकिन उसके पास हेरिडेटरी राइट था, और जमींदार को राइट था रेवेन्यू को लेके, जो कि रूरल सोसाइटी से वो लेते थे, मतलब रूरल सोसाइटी जो टैक्स वसूल करते थे उन पर उनका हेरिडेटरी राइट था। तो यहाँ पे लिखा है कि वो हेरिडेटरी नहीं था, ये गलत दिया है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या सही होगा, ये होगा नाइदर वन नाइदर टू, यानी कि हमारा ऑप्शन डी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो सही है, लेकिन हम हमारे कहने का मतलब, देखिए आपको कितना माइंड लगाना पड़ा जागीरदार के बारे में, जमींदार के बारे में, पूरा मतलब एक एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा, फिर उसमें से आपने लूप होल निकाला, उसके बाद आपने आंसर दिया। जबकि अगर हम बात करें अब देखिए सेकंड की, तो सेकंड भी क्वेश्चन में हम सीधे करते, लेकिन हम डायरेक्ट थर्ड पेज एंट्री लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि सॉल्व करना कि कितना ईजी होता है, जैसे ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, क्योंकि देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं भी समझाने में तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह से हम पेपर अटेम्प्ट करें, क्या क्या बातें अपने माइंड में रखें। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती किसके द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की बात हो रही है, बात ग्लोबल है, तो यूनाइटेड नेशन अलग संस्था है, इसमें कुछ देश पर्टिकुलर देश आते हैं, लेकिन ग्लोबल बात चल रही है, तो इस बी ऑप्शन को तो हम आग बंद करके हटा सकते हैं।
हालांकि यहाँ पे भी कम्पिटेटिवनेस की बात की गई थी, ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट। रिपोर्ट तो चलिए अब जितने चारों हैं चारों रिपोर्ट अपनी देंगे, एक हम जनरलाइजेशन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं पता, हमारे माइंड से उतर गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट की ग्लोबल की बात हो रही थी, यहाँ पे हम इंटरनेशनल भी ले सकते हैं, ए ऑप्शन भी ले सकते हैं, हम सी ऑप्शन भी ले सकते हैं, हम डी ऑप्शन भी ले सकते हैं, वर्ल्ड की बात हो, लेकिन हम ये बी तो सीधा सीधा हम साइड कर देंगे यूनाइटेड नेशन को लेके। हालांकि ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन की बात है, एक पर्टिकुलर संस्था की बात हो रही है यहाँ, तो हम यहाँ पे हटा सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम होता है पैसे देना, पैसे पैसे लेना, लेन देन की चीज़ों में इनका यूज़ काफ़ी होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए, अब हमको जानने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अंदर थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर जगाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको जस्ट सर्च कीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए, जिससे आपको थोड़ी अंदाजा अंदाजा मिले। जैसे देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गया, अब देखिए ये आपको पता चला, ये आपको दिख रहा है, अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है। अब राइट साइड में देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन 189 कंट्रीज का, इसमें 189 देश हैं, और ये ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को लेके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट, हाई एम्प्लॉयमेंट, अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को कम करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए काम करती है, लोन भी देती है ये, तो ये सारी चीज़ों के लिए काम करती है। हमारा क्या काम है, हमारा काम है ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, हमको कम्पिटेटिवनेस जानना है। तो मॉनेटरी कोऑपरेशन हुआ, दो देशों के बीच की बात है, तो ऐसा नहीं कुछ है, हमको हमको कंपेयर करना है ढेर सारे देशों से। हम मान सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा सही, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप एक जनरलाइजेशन व्यू में भी आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम इसका आंसर को पा सकते हैं, कि जिससे हम एक लंबे आंसर तक पहुंचे। आप इसको अगर पढ़ेंगे कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, आप एक आप जागीरदार जमींदार इनको भी सर्च करके अगर आप पढ़ते हैं, तो आप इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं आप, तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपका क्लियर करने का चांस भी बढ़ जाएगा। अब हम बात करें, देखिए यूनाइटेड स्टेट, इसको तो हम साइड कर दिए पहले ही, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर चलते हैं, मेहनत वहीं करते हैं जहाँ पे, देखिए खोदना खुदाई वहीं शुरू करनी चाहिए जहाँ पे आपको मिल जाए, जहाँ पे आपको पानी मिले। पहले ज़माने में कहावत कही गई थी कि खुदाई वहीं करिए, उसी के जहाँ पे आपको पानी मिल जाए, कुआं वहीं खोदा जाए, ज़्यादा पानी मिलने का चांस सबसे ज़्यादा हो। तो हम भी वहीं कोशिश करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर नहीं हो यूनाइटेड नेशन को लास्ट में देख लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यूनाइटेड नेशन की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। ये देखिए हमारा तीसरे नंबर पे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आ गया, अब इसको हम देखते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बेस्ड है जिनेवा में, इसका मतलब जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये स्थित है, और ये एक एनजीओ है, एनजीओ है, इसको 1971 में बनाया गया था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मिशन जो था वो ये था कि स्टेट को इम्प्रूव करना, ये कमिटेड था कि किस तरह से स्टेट को और वर्ल्ड को बिजनेस को लेके, पॉलिटिकल एकेडमिक और लीडर्स ऑफ सोसाइटी को लेके, जो कि ग्लोबल शेप करते हैं रीजनल और इंडस्ट्री को लेके, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। देखिए इम्प्रूव की बात हो रही है, कंपटीशन और इम्प्रूवमेंट एक साथ चलता है, जब आप कंपटीशन करते हैं तो आप इम्प्रूव भी होते हैं उसके साथ साथ। और इसमें यह दिया है कमिटेड टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इंगेजिंग इन बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्री एजेंडास। तो यहाँ मैक्सिमम चांस है कि ये आंसर हो, लेकिन अभी हम इस पर किसी आंसर तक नहीं पहुँचेंगे। हमारा ऑप्शन वैसे ये एकदम परफेक्ट लग रहा है हमें, लेकिन अब हम चलते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ भी, जरा इसे भी एक बार देख लेते हैं, जब सब देख ही रहा है तो इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी कहीं ना कहीं। अब वर्ल्ड बैंक हम देखते हैं, तो देखिए वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करती है लोन, ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट को उन पुअर कंट्रीज़ को, जो देश गरीब हैं उनको देती है, और डेवलप या डेवलपिंग देश में हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने भी कई बार इससे लिया है, तो पुअर कंट्रीज में तो नहीं आया, डेवलपिंग नेशन में आ जाएगा। तो पुअर कंट्रीज की बात किया, पर्पस इसका पर्पस होता है कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, कि आपने सुना होगा कि मोदी जी को कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए इतने इतने बिलियन डॉलर मिले, इतने बिलियन डॉलर मिले, तो ये सब ये पर्सन कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए देती है। और इसमें दो इंस्टीट्यूशन मिले हुए हैं, पहला इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ये आपने सुना होगा, यही इसी का नाम चेंज कर वर्ल्ड बैंक रख दिया गया था, और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन चीज़ को ये ज़्यादातर, देखिए इससे क्या हमको पता चल रहा है, ये ज़्यादातर लोन्स की बात कर रही है, ज़्यादातर ग्रांट्स की बात कर रही है, ग्रांट्स का मतलब कि जो गवर्नमेंट देती है खासतौर पर, कि गवर्नमेंट के तौर पर कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे देती है, ग्रांट्स में आता है वो, तो ग्रांट्स गवर्नमेंट को पुअर कंट्रीज को देती है जिससे कि उनके प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चल सकें। तो वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल कंपटेटिवनेस रिपोर्ट हम आग बंद करके ऑप्शन सी को मार सकते हैं। तो
आप ऑप्शन आंसर इसका डेफिनेटली सी होगा, आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो भाई मैंने देखा नहीं इसको, लेकिन आंसर सी ही होगा। तो देखिए अब ये क्या है कि आपको एक अंदाजा, मैंने एक जनरल व्यू दिया आपको कि किस तरह से आप करें, आप थोड़ा सर्च करिए, सर्च करने से भी आपकी आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा ज़्यादा पता चलेगा। और सर्च करने की हुई चीज़ें अगर गलती से आपके एग्जाम किसी दूसरे रूप में, IMF को लेके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेके, वर्ल्ड बैंक को लेके अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो वो गलत होने का चांस ना के बराबर होगा। तो ये बात हुई। अब अगर थोड़ा सा इसको देख ले, अगर तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन इन्वायरमेंट और मार्केट और किन किन चीज़ों को लेकर, ह्यूमन कैपिटल को लेकर कंपटीशन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एक अंदाजा लगा लिया होगा आपने कि किस तरह से हमें पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करना है UPSC के एग्ज़ाम में, तो आप जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है, टाइम की कमी है बहुत ज़्यादा, तो कम समय में ज़्यादा मतलब मैक्सिमम इनपुट आउटपुट रेशियो में बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप कुछ बुक्स आप पढ़ सकते हैं। वो पर्टिकुलर बुक्स मतलब कुछ पर्टिकुलर बुक्स अगर आज से भी आप एक बार, अगर आपकी रीडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, हालांकि पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़ सकते हैं उसको, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप, मुझे पता नहीं आपने अपने स्टडी में उसको इंक्लूड किया है या नहीं, लेकिन नए जो लोग बैठ रहे हैं और जो लोग सिर्फ जायका लेने जा रहे हैं कि किस तरह से मैं मतलब, या जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जिनकी तैयारी नहीं भी हो पाई अभी इस स्टेज पर, वो भी इस बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो अभी मैं फिलहाल नहीं बना रहा। लेकिन आप देखिए एक चीज़ आप काम आप कर सकते हैं कि जैसे आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे जाके आपका काम मैं थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ। आप फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे आप रिच बुक स्टोर पे जाइए, आपको करना कुछ नहीं है, आप टाइप करिए रिच बुक स्टोर, और देखिए अब रिच बुक स्टोर पे जाइए, अब देखिए सबसे ऊपर आप देख रहा होगा, अब इसको आप जाइए रिच बुक स्टोर पे, और वहाँ से आप शॉप पे, शॉप के ऑप्शन में जाइए। देखिए यहाँ पे आपको जो सेक्शन मिलेंगे लेफ्ट साइड में, शॉप पे जाइए आप, शॉप पे जाके यहाँ पे देखिए हमने कई तरीके की हमें पोस्ट करते रहते हैं हम यहाँ, जैसे UPSC स्टडी मटेरियल आपको दिख रहा होगा ये, तो आप इस पे जाइए और इस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने सारे पेपर डाले हुए हैं इसमें, आप देखें हम लोग सारे को कलेक्शंस को देखते हैं, ये कलेक्शन मैंने पूरा बनाया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं, इससे आप बुक डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही लिमिटेड कलेक्शन, मैंने ऐसा नहीं था इसमें ढेर सारी बुक्स भर दी हैं, मैंने बहुत लिमिटेड बुक्स इसमें डाली हैं। अब जैसे अगर आपको मैंने बताया हिस्ट्री के लिए, तो आप सीधे इस पर जाइए, इसको आप जाकर डायरेक्ट यहाँ से परचेस कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ईजी है ये। आप ये काम देखिए, ये बुक का ये वेबसाइट आपको डायरेक्ट अमेज़ॉन पर लेके जाएगी, आप अमेज़ॉन से भी चाहे आप आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं। यहाँ से फायदा बस इतना है कि यहाँ पे एक जगह आपको कंसोलिडेटेड मिल जाएगा, तो आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा, हमारा गाइडेंस रहेगा, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि देखिए UPSC के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये, स्पेक्ट्रम की बुक राजीव भाई सर की, आप इसे देख सकते हैं, ये भी IPS ऑफिसर है, और इनके बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए आप सर्च कर सकते हैं। देखिए आप करेंगे, आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, यहीं क्लिक करिए आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और आप डायरेक्ट बुक देख सकते हैं, जैसे बहुत महंगी भी नहीं है। किंडल में अगर लेंगे तो आप पेपर बैग आपको 377 में मिल जाएगा, किंडल अनलिमिटेड में आपको 0 रुपये में मिल जाएगा ये, तो इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके परचेस कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको व्यू दिया कि हाँ मतलब किस तरह से हम लोग किस तरह से आप परचेस कर सकते हैं। और भी बुक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बुक है, इसको देखिए आप, इसमें जाइए, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, रिच बुक स्टोर पे जाइए, शॉप सेक्शन में जाइए, आपकी मर्जी, आप चाहें तो डायरेक्ट अमेजॉन से भी इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक व्यू मिल जाएगा कि मैं कौन से बुक लूँ कौन सी ना लूँ, एक मैक्सिमम आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं तो यही कहूँ, सजेस्ट करूँगा कि आप इसी यहीं से आइए, रिच बुक स्टोर से लीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया हो अभी तक, तो शॉप नाउ पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं जाके। तो ये सारी चीज़ थी, हमने अपने कैपेसिटी से जितना मैं आपको बता सकता था मैंने बताया। अगर आपने हमारे चैनल, तो ये आप समझ में आ गया होगा कि मतलब किस तरह से हमको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। देखिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहेंगे और आपका भी इसमें काफ़ी फायदा हो। देखिए अगर आप टिस्का UPSC टाइप करते हैं और जाके YouTube पे, तो आपको देखिए सबसे ऊपर हमारा चैनल दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए। देखिए इस पर कई तरीके के कोर्सेज अवेलेबल चल रहे हैं इस पर, कि जैसे UGC नेट का, देखिए UGC नेट का भी हमारा कोर्स चल रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, देखिए वीडियोस में आप जाइए, वहाँ पे देखिए तरह तरह के वीडियोस हमने खूब डाले हुए हैं UPSC से रिलेटेड, आपको अच्छे से कंटेंट मिलते रहेंगे, हमारा वीडियो बराबर अपलोड होता रहता है, तो आपको एक से एक यूनिक कंटेंट भी आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, देखिए हमने UGC नेट सोशल वर्क के कोर्सेज को लॉन्च किया है, एंशियंट हिस्ट्री के वीडियोस टाइम पे आ रहे हैं, UPSC कंप्लीट कोर्स में हमने तरह तरह के वीडियोस डाले हुए हैं, इंग्लिश वीडियो भी हम लोग एक दो वीडियोस हमारे इंग्लिश में हैं,
तो उसमें अभी ज़्यादा निकल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड थी आप लोग की हिंदी में हम लोग वीडियो बनाएं, वो इसलिए हमने ज़्यादातर इंग्लिश में फोकस नहीं किया, लेकिन अगर कहेंगे तो हम इंग्लिश में भी बना देंगे वीडियो। और यूपीएससी के देखिए फुल प्लेलिस्ट ये है, यूपीएससी से रिलेटेड है, कंप्लीट कोर्स में डायरेक्ट जा सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप, यूजीसी नेट का भी हमारा कोर्स देख सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस भी देखिए आप हमारा देख सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस कोर्स आप, इस सारा फेक न्यूज़ की भी सीरीज़ है, स्टोरी भी हम लोग कभी कभी शेयर करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, और एसएससी के भी अगर एक दो वीडियोज़ हैं इसमें। तो अभी देखिए क्या है कि आप अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के कंटेंट आपको, यूपीएससी के तो कंटेंट आपको भरपूर मिलेंगे, यूपीएससी लाइब्रेरी साइंस और यूजीसी नेट के, तो आप देख सकते हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करिएगा, और बेल आइकन भी को भी हिट कर दीजिएगा जिस तरह मैंने अभी हिट किया है, ऐसे करके ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे जब भी पहुँचेंगे। तो ये सारा था हमारे वीडियो का, कैसे लगी हमारी वीडियो हमें बताइएगा। और हम बिजनेस यूनियन हमारा एक दूसरा चैनल है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें अभी दो ही वीडियो हमने डाले हैं, बिजनेस को लेकर हमारा एक नया इनिशिएटिव है। आप बिजनेस यूनियन को पे आप बिजनेस यूनियन पे भी जा सकते हो, ऊपर से भी क्लिक करके आप बिजनेस यूनियन पे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि इस पर अभी रियल इस्टेट का एक प्लेलिस्ट आने वाला है, एक रियल इस्टेट को लेके, अगर रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग में आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं तो इस पर आपको उस पर से रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे, तो बिजनेस यूनियन को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रियल इस्टेट में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है। तो ये साथ सब था हमारे बारे में, तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे, और जिससे हमारा उत्साह बढ़े। और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का वीडियो आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए, और जैसा आपका व्यू होगा आप हमें बताइएगा। इंपॉर्टेंट जजमेंट की भी प्लेलिस्ट चल रही है, उसे भी देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं 4 अक्टूबर के लिए जितने भी एस्पिरेंट जा रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, कि उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, जिससे कि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, और हाँ पेपर के जो भी मैंने बातें सिखाई हैं वीडियो को 2-3 बार रिमाइंड करके डबल स्पीड पे देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो आप डबल स्पीड पे भी इसको देख सकते हैं, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में बातें बैठ जाएंगी, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर 5-5 या 10-10 की सीरीज लेके आएँ और क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक जनरलाइज व्यू में अपने तरीके से यूनिक वे में हम उसको सॉल्व करें, और हम उसे या तो कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपकी राय होगी वो हमें दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे सारे लिंक पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप क्लिक करके आप हमारे सारे वेबसाइट या पेजेस तक पहुँच सकते हैं। तो अभी तक हमारे इस चैनल पर हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।